अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज तो हो चुका है और जोहर की नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने पढ़ भी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हानिया भी आ गई है स्कूल से, फ्रेंड की बेटी का निकाह है तो उसकी आज छोटी सी गेट टुगेदर है निकाह से पहले, लाइक ढोलक छोलक जैसे होती है वो है। कल फिर इंशाल्लाह उसका निकाह होगा तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आज जो है जी मेरी किचन की ड्यूटी जो है ना, हाय अल्लाह, बिल्कुल नहीं है। आज जो है मुझे किचन का काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और आज और कल मज़े की बात, दो दिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा और जिस बात के लिए मैं बड़ी हैप्पी हूँ। इस वक्त जो है बिल्कुल होश में नहीं हूँ, हादिया को पैदल स्कूल से लेके आया हूँ और उसके बाद जो है वो विजन भी ब्लर हो गया, इतनी गर्मी है शदीद कि बड़ी बुरी हालत हो गई है। तो तुम्हारी बुरी हालत ही रहती है। हाँ, और जो है वो अब मैं जा रहा हूँ हादिया को लेने। हादिया को तो तुम बताओ ना कि तुम वो ले जाते हो कार पे, हानिया का वॉकिंग डिस्टेंस पे। हानिया वॉकर है और हादिया कार का है, तो अभी गाड़ी पे जाऊंगा तो शायद कुछ बचत हो, लेकिन हानिया की बारी जो है वो पैदल जाने में जो है ना, वो आजकल गर्मी में तो बहुत बुरा हाल है। देखिए जैसे कि आज फंक्शन है ना, तो देखिए इतना बड़ा पिंपल उठा करके मेरे लिप्स पे आ गया है। और ये जब भी कोई पार्टी या कोई भी इवेंट कुछ भी हो ना, तो मेरे फेस पे कोई ना कोई जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। आज कोई इतनी तैयारी नहीं है, बस क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसने घर के अंदर ही किया हुआ है। कल जो है इवेंट हॉल जो होता है लाइक प्रॉपर वहाँ पे है और निकाह उसका मस्जिद में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, हम लोग भी अच्छे हैं। प्रोग्राम है ढोलकी का, जिसके लिए जो है वो तैयबा के बच्चे तैयार हुए हैं। हम लोग तो इनवाइटेड नहीं है, लेकिन खवातीन इनवाइटेड हैं। तैयारी शारी आप इनकी देख लीजिए। आज खाने की छुट्टी है, नो खाना। सबसे ज्यादा खुशी तैयबा को इसी चीज की है, कल भी नहीं। सबसे ज्यादा खुशी तैयबा को इसी चीज की है कि खाना शाना बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। और आपको अपनी उरी की प्यारी से लुक दिखाती हूं। आज आपने क्या पहने खुरम को, मैंने ये देखे खुरम, ये क्या है? ये क्या है? परांदा है, आसिम जोफा का है, क्योंकि दुपट्टे पे लिखा था, मुझे याद आ गया। तो अब इन लोगों की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, हम लोग बस घर से निकल रहे हैं और तैयबा जो है वो खुश है कि आज खाने शाने की छुट्टी है। नहीं, एक्चुअली पूरे हफ्ते का स्ट्रेस जो होता है ना, फिर हम लोग इसी तरह सब मिलके जो है ना वीक में वन मंथ के टू टाइम तो हमारी गेट टुगेदर हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो निकाह का फंक्शन आ गया है तो इसलिए फिर जब ऐसी पार्टीज और ऐसे मिलना मिलाना होता है ना, तो तब मैं बड़ी हैप्पी होती हूँ क्योंकि मेरा सारा स्ट्रेस जो है ना वो निकल जाता है। जो सारा मैंने दिया होता है वो सारा तैयबा का निकल जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे तैयार होके मजा आता है। एक्चुअली मुझे तैयार होने का चलो फिर वो वेट कर रहे होंगे, 5 बजे का टाइम और 6 बज गए हम लोगों को घर में ही। हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखें हुरा। और ये देखें खाना मुझे मिलना नहीं है लेकिन उठवाया मेरे से इन्होंने। हानिया सोई भी थी क्योंकि आज बच्चों का स्कूल था, तो इसलिए बच्चे की जो फेसेस हैं वो स्लीपी स्लीपी हैं ना हानिया। तो चलें जी चलते हैं अंदर। ये देखें छोटा सा सेटअप किया हुआ है ढोलक का, इतना प्यारा लग रहा है। आज जैसे कि घर पे है, बाहर नहीं है, तो ये जो है उसका सेटअप हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जी मैं ढोलक पे जा रही हूँ, लेकिन वो ढोलक नहीं थी, ढोलक ही, लेकिन उसको बदल दिया मेहंदी पे, मेहंदी में बदल दिया। क्यों? क्योंकि ढोलक का अरेंज नहीं हो सका और मेहंदी लगाने में मसरूफ हो गए, क्योंकि बच्ची बुलाई हुई थी मेहंदी लगाने वाली, तो बस फिर हम लोग सारे की जगह बैठ के मेहंदियाँ लगाने लग गए और साथ चिट चैट करने लग गए। जो हस्बैंड्स हैं वो अलग थे, वो खा रहे थे साथ में, वो लोगों की बुराइयाँ कर रहे थे एज यूजल, जो लोगों का काम है। तो हम लोग, मुझे बिल्कुल भी उस सिचुएशन में बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि ओहो मैंने तो मेहंदी का भी व्लॉग बनाना था। जा रहे हैं उसके निकाह पे बच्ची के, क्योंकि उन्होंने मस्जिद
मस्जिद में निकाह रखा हुआ है, इस ड्रेसेस में है, और जो कि आपको हसन वहाँ जाके दिखाएंगे। तो रात को फिर इंशाल्लाह हम लोग हॉल में जाने के लिए दूसरे ड्रेसेस में आ जाएंगे। तो मैंने कहा चले मैं आपको यहाँ के मस्जिद का एक्सपीरियंस भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे निकाह मस्जिद में कैसे होता है। बातों में ऐसे मसरूफ हुए कि इनको कोई ख्याल नहीं रहा कि कोई वीडियो थोड़ी सी बना लें, कोई बता दें कि हम कहीं पे आए हैं, क्या किया क्या नहीं किया। बस ये बातें ऐसी शुरू हुई कि वो ख़त्म नहीं हुई। एक्चुअली आपको पता है कि जब आप किसी जगह पे जाते हो ना, तो बहुत से लोगों को देखना पड़ता है, हर लोग जो है ना वो वीडियो में आने के लिए कम्फर्टेबल नहीं होते। तो ये चीज़ मैं हसन को समझा रही थी, मैंने कहा हसन ऑफकोर्स जब एक जगह सारी और मतलब खवातीन और बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, और फिर एक आउटसाइडर मेहंदी लगाने आई हुई है, तो ऑफ कोर्स मैं उनकी बैग या उनके सिर्फ हाथ लेती तो वो अच्छा नहीं लगना था। तो मैंने कहा सर ज़रा मुझे खुद भी ज़रा फील हुआ कि चलो जी छड़ो पना। यहाँ की बड़ी मस्जिद है एपिक के नेम से, हम वहाँ आ गए हैं। और इसके देखें जो सारी सोसाइटी है ना, वो सारी सोसाइटी मुस्लिम है माशाल्लाह से, और यहाँ पे सब ने अपनी अपनी चॉइस से अपने अपने हिसाब से घर बनाए हुए हैं। जबकि ये हम लोगों को ना US का पार्ट नहीं लगता, हमें अपने पाकिस्तान का डिफेंस और गुलबर्ग वाला हिस्सा लगता है ना सर। तकबा मस्जिद में पहुँच गई है निकाह के लिए, और ये हानिया हुरम साथ है। तो मस्जिद में आके कैसी फीलिंग है तुम्हारी? हमेशा की तरह अच्छी है। yes, हानिया की भी लुक देख लें आप, वेस्ट कोट के साथ। हानिया वेस्ट कोट है ये तो लड़के पहनते हैं। हसन क्या कर रहे हो? जूते उतार रहे। चलो ठीक है। बहुत बड़ी जो है ना वो यहाँ की मस्जिद है, ये देखें अंदर निकाह की तैयारी हो रही है, ये अंदर सब निकाह के लिए है। राइट हियर ये है प्रीटी ब्राइट, क्या लिखा हुआ ऊपर, शहरोज। ओके माशाल्लाह। सीधा करो हाथ। अच्छा कलर बहुत अच्छा आ गया है ना मेहंदी का। दुल्हन की सिस्टर है बड़ी वाली, इस तरह करके दिखाओ अपना हैंड। अच्छा कलर्स आ ही गए हैं माशाल्लाह। अरे तुम भी दिखाओ अपने हाथ। ये हाथ की मेहंदी है। निकाह हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और वहाँ जाके हम लोग रेडी होंगे और फिर दोबारा रात में रिसेप्शन में आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बिल्कुल जो है वो घर जो बने हुए ना बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बने हुए हैं, और ये सारी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। मस्जिद वाले की डेवलपमेंट है ना ये। और इस स्ट्रीट का नेम ही मदीना स्ट्रीट है। हमको लग गई है भूख। और हुरम आप कहाँ जा रही हो? ये सेटिंग जो है वो तैबा ने की है, काफ़ी मेहनत लगा के जो है वो मुकम्मल की है इसको। और ये इनकी तैयारी देख लें जी, ये तैयार हो गए हैं। आपकी बहन भी तैयार हो गई है? हाँ, मेरी बहन बड़ी बड़ी। बड़ी वाली कौन है? वो हादिया। हादिया बड़ी। तैबा रेडी हो गई है? हाँ। और ये सारी सेटिंग भी तैबा की हुई है, तैबा सिल्वर और ये गोल्डन। मैं और हसन के कलर्स हैं, हानिया का डिफरेंट है, आसिया की शादी है। बहुत प्यारे लग रहे। दुल्हन की मम है ये, उठा के दिखाओ गजरा कैसा बना हुआ है। ये हैंडमेड गजरे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह Thank you.
बिद आ गई है सही बात जी। ये हां नूरम की है, ये मेरी है। तैयबा भी काका है, इसको बिद चाहिए। खाना खुल चुका है, खाने में नान दोनों ऐसे ऐसे करो ना, बड़े अच्छी लगेगी। हसन लोग घर आ गए हैं और इतना थक गए हैं कि बस आपको बता नहीं सकते कि आपको मेरे फेस से लग ही रहा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, जो मेरा अंग पीर हो रहा है वो क्या है? आते ही सबसे पहले तुमने मुझसे चाय बनवाई है। वो इसलिए कि मेरे बहुत बॉडी में पेन हो रहा था, हील पहन पहन के और रेस्टलेस हो के, क्योंकि कल भी नहीं सो पाए, कल भी हम लेट आए घर पे, 12 घर आए और फिर उसकी मैंने सेटिंग करनी थी, वो सेटिंग की जाकर फिर दोबारा घर आए, घर आके कपड़े चेंज किए और फिर मैं गई, और बल्कि कपड़े क्या चेंज किए बल्कि अपनी फ्रेंड का मेकअप भी मैंने किया और कल मैंने बैड का मेकअप भी किया था। तो इस व्लॉग में काफ़ी मतलब कुछ देखने को हमारे अलावा शायद ना मिले, क्योंकि एक्चुअली ब्राइडल जो है वो हिजाबी है और स्पेशल उसकी रिक्वेस्ट थी कि आंटी अब मैं जो हूँ क्या कहते हैं वीडियो में ना हो, क्योंकि वो पिक्चर्स और वीडियो से अवॉइड करती है। एक्चुअल मेरा मतलब आपको लोग दिखाना नहीं है, मेरा मतलब आपको यहाँ की सेलिब्रेशन, यहाँ के इवेंट्स शेयर करना है। फिर मतलब अगर वीडियो में आपको लोग आधे आधे नजर आते तो उसके लिए माज़रत। किसी का सर कटा हो, किसी का कुछ कटा हो, कुछ कटा हो तो वो गुस्ताखी माफ। तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं और आपको मेरे बच्चों हसन तो नज़र आ रहे हैं ना, मैं तो आपको नज़र आ रही हूँ ना। हाँ, तो कोई आए ना आए तैयबा आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप भी तो मेरी फैमिली है, तो भी मेरा हक है कि मैं आपको तैयार होकर दिखाऊं कि मैं बुला रही है। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो ये देखिए, ये हसन ने मुझे चाय बना के दी है, प्रूफ दे रही है जी हसन के, मेरी बेगम को चाय बना के दी है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सुबह से शाम तक का बहुत बिजी दिन रहा, और तैयबा के लिए तालियां, क्योंकि आज सभी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सेटिंग भी करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और क्या करती हूँ इस वजह से मुझे और लोगों को बेवकूफ़ी में बताचा बनाती हूँ। तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।